रंजीत भैया, ये कुदार और बीज लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं प्याज का गाछी के नर्सरी बना कर प्याज का गाछी बुनेंगे। क्या संजीव भैया, आप बीज शोधन कर लिए हैं जो मतलब कि नर्सरी लगाने के लिए जा रहे हैं? हम बीज शोधन आज तक नहीं किए हैं। क्या होता है बीज शोधन जो हम नहीं जानते हैं। हम बीज शोधन करके नहीं लगाते हैं। इसमें आप हमारा बाप दादा खेती 20-25 साल से करते आ रहे हैं, कभी तो हम नहीं देखे थे कि बीज शोधन करके लगाते हैं। आप शहर से आते हैं तो बोलते हैं कि बीज शोधन करके लगाइए, यही करके लगाइए। आप तो टाइम आकर के हमको बर्बाद कर देते हैं। ठीक है संजीव भैया, कोई चीज़ अगर नया चीज़ करने से फ़ायदा होता है तो उसको हम लोग को करने से करना चाहिए। ठीक है, 2 मिनट रुकिए, हम दोस्त की मम्मी से पूछ कर मतलब बताते हैं कि किस तरह से प्रक्रिया करना है। ठीक है, उनका बुलाइए। हम तो हमारा पूरा समय बर्बाद कर दिए हैं, तो बुला करके हमको भी सिखवाइए। हाँ हेलो हेलो, नमस्ते आंटी, हम अमन का दोस्त मुन्ना बोल रहे हैं। हाँ बेटा, कैसे हो? अमन ने बताया है कि आप बीज शोधन करके बीज लगाते हैं। हाँ, हम तो बीज सब शोधन करके ही लगाते हैं। अमन को तो पता है, अमन नहीं बताया है? आंटी, मेरा भैया तो बीज शोधन करके नहीं लगाते हैं, हमको भी बताइएगा। ठीक है, तुम लोग आ जाओ गांव में, हमें कल बीज शोधन करके लगाने वाले हैं, इसलिए तुम लोग आ जाओ, हम लगावेंगे शोधन करके, तो तुम लोग देख लेना, सीख लेना। ठीक है आंटी, कल हम भैया को लेकर चले आवेंगे। नमस्ते आंटी। ठीक है बेटा, खुश रहो, आ जाओ। नमस्ते आंटी, अमन घर पर हैं? नहीं, नमस्ते नहीं, घर पर तो नहीं है, स्कूल गया है, स्कूल से बाजार जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। हाँ आंटी, ये मेरा बड़ा भाई संजीव है, गांव में खेती करते हैं। अमन बताए हैं कि आप बीज शोधन करके गांव में खेती करते हैं। हाँ मुन्ना, हम तो खेती जितना भी करते हैं सबका बीज शोधन करके ही लगाते हैं। हाँ आंटी, कल आपसे बात हुआ था फोन पे, मतलब कि प्याज बीज शोधन के लिए बता दीजिएगा। हाँ मुन्ना, हम बता देंगे। ठीक है, जैसा थोड़ा सा धान काम कर रहे हैं, धान छा रहे हैं, काम करके हम बता देंगे। चलिए उधर बता देते हैं। देखे देखो मुन्ना, संजीव प्याज बीज शोधन के लिए इतना सामग्री की जरूरत पड़ती है। देखिए इतना सामग्री है ब्याज शोधन करने के लिए। बस आंटी, इतनी प्याज का बीज शोधन करने के लिए सामान रहती है? हाँ बस इतना ही है। हम तो सोच रहे थे दीदी कि और बहुत सारा सामान लगता है इसमें। नहीं मुन्ना, बीज शोधन के लिए 3-4 चीज की ही जरूरत पड़ती है। आंटी, बीज शोधन के लिए इतना ही सामान की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा प्याज बीज शोधन के लिए बता दीजिएगा। ठीक है, आइए हम बता देते हैं। देखिए ये प्याज का बीज है, 100 ग्राम बीज है, ये 1 कट्ठा में रोपाता है। 100 ग्राम बीज शोधन करने के लिए 50 ग्राम केचुआ खाद की जरूरत पड़ती है। बीजा अमृत है, बीज शोधन के लिए 10 ml बीजा अमृत की जरूरत पड़ती है। देखिए ये पानी है, इसे 200 ग्राम पानी की जरूरत पड़ती है। ये देखिए 200 ग्राम पानी है, ये देखिए 200 ग्राम पानी हुआ। देखो मुन्ना, ये एक बर्तन है, इसमें 200 ग्राम पानी गर्म करना है, सुषुम करना है बीज शोधन करने के लिए। देखिए ये स्टोव है, सुषुम पानी करने के लिए इसका भी प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है आंटी, आप तो प्याज भी शोधन के लिए बता दिया कितना सामान लगता है, तो आगे क्या होगा? ठीक है मुन्ना, पहले इसमें सुषुम पानी करेंगे 200 ग्राम। हाँ आंटी। हाँ दे आंटी, सुषुम पानी क्यों करते हैं? हाँ सामान तो ऐसे ठंडा पानी में बीज उपचार करके बुन देते हैं खेत में। नहीं संजीव, सुषुम पानी करने से क्या होता है कि इसका छिलका मुलायम हो जाता है, अंकुरण आने में जल्दी होता है, अंकुरण जल्दी आ जाता है इसका। ऐसा बात है आंटी? हाँ। कैसे पता चलेगा कि सुषुम गर्म पानी है? देखिए भैया, हाथ डाल के देखिए, इसमें सुषुम हो गया, ज़्यादा खोलना नहीं चाहिए पानी को, खाली सुषुम होना चाहिए, हाथ सही भर पानी होना चाहिए। ठीक है आंटी।
ये सुसुम पानी गर्म तो हो गया आंटी, तो इसमें क्या कीजिएगा, बीज डालिएगा दीदी? हाँ हाँ, अब इसमें देखिए ये जो बीज है प्याज का बीज, अब इसमें डालेंगे। देखिए संजीव, अभी इस बीज को ऐसे चला देना है, बढ़िया से मिला देना है, ऐसे मिल गया तो जानते हैं मिल जाए ऐसे किया हुआ, अच्छा बीज नीचे बैठ गया। और जो खराब बीज है उसको निकाल के बाहर कर दीजिएगा। देखिए खराब बीज क्यों निकाल रहे हैं दीदी? इसमें जर्मिनेशन नहीं होगा, ये खराब है, इस बीज को ऐसे हटा दीजिए। और अच्छा बीज है जो नीचे बैठ गया, इसको देखिए इतना खराब बीज निकल गया। देखिए इस बीज को बाहर कर देना है, तो ये जितना बैठ गया हुआ बीज अच्छा बीज हुआ, वह जल में गई नहीं, जलने वाला बीज है, इस नम बीज को बाहर कर देते हैं। हाँ आंटी, ये तो बीज खराब बीज था, जो मतलब कि छान के उधर बिक दिया, बीजा मृत और केचुआ खाद कब मिलाइएगा? देखो मुन्ना, बीजा मृत तो हम बाद में मिलावेंगे, पहले केचुआ खाद को मिला करके इसमें 8 घंटा छाँव में फूलने के लिए रख देंगे। देखो मुन्ना, ये 50 ग्राम केचुआ खाद है, इसको इसमें डाल के अच्छी तरह से इसको मिलाना है। 50 ग्राम केचुआ खाद क्यों डालते हैं आंटी? मुन्ना, इसमें केचुआ खाद इसलिए मिलाते हैं कि इसमें बीज के लिए पोषक तत्व मिलता है, इसलिए अंकुरण जल्दी आ जाता है। ठीक है आंटी। देखो मुन्ना, अब इसको अच्छी तरह से मिला दिए हैं, अब इसको 8 घंटा के लिए छह जगह में इसको रख देना है। ठीक है आंटी। ठीक है आंटी, 8 घंटा तो हो गया, हम लोग आ गए, उसके बाद क्या होगा? ठीक है मुन्ना, हम बीज को लेकर के आते हैं, हम बताते हैं कि कैसे क्या करना है। देखो मुन्ना संजीव, अब इसको क्या करना है कि इसको सूती कपड़ा में हम इसको अच्छा से छान देंगे। सूती कपड़ा में क्यों छानते हैं दीदी? इसमें पानी है जो सूख जाएगा, थोड़ा हवा लग जाएगा तो इसको बांध देंगे, अंकुर जल्दी से आ जाएगा। अच्छा, ऐसा बात है। देखो मुन्ना संजीव, अब इसको 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए इसको सूती कपड़ा पर इसको पसार देते हैं। ठीक है आंटी, 5 मिनट के लिए इसको पसार देते हैं। हाँ, ताकि इसका नमी कान से जो सूख जाएगा, पानी कान से ना, हाँ, जो थोड़ा सूख जाएगा, 2 मिनट 5 मिनट लगेगा हवा तक। ठीक है आंटी, इसको फिर 5 मिनट सूखने के बाद है, क्या करेंगे आंटी? देखिए मुन्ना संजीव, इसमें फफूंदी हो जाता है, इसलिए हम इसे में बीजा अमृत 10 ग्राम का सेवन करेंगे। ठीक है आंटी। देखिए पूरी तरह से सब में मिल जाना चाहिए, इसलिए इसमें कीटाणु मर जाता है। देखिए ये बीजा अमृत इसमें मिल गया, इसे इसका हाथ से ना मिलाएगा दीदी? हाँ, मिला देते हैं। देखिए इस तरह से अब पूरी तरह से बीजा अमृत को हम मिला दिए इसमें। देखिए मुन्ना संजीव, अब इसको क्या करना है कि इसको पूरी तरह से इस सबको जोर कर देंगे, और इसको एक पोटरी बना देंगे। इसको पोटरी बना करके किसी ऐसा जगह में रखेंगे कि अंकुरण 12 घंटा के लिए, कि 12 घंटा में अंकुरण आ जाए, इसमें नमी होना बहुत जरूरी है। ठीक है आंटी, लाइए ना आंटी, बांध देते हैं। अब इसको 12 घंटा के लिए छाँव में इसको रख देंगे, ताकि अंकुरण अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। देखिए भैया दीदी, प्याज के बीज शोधन करने से बहुत फ़ायदा है। पहली बात तो है कि बीज शोधन हम लोग करते हैं
तो जितना खखड़ी बीज रहता है वो बाहर हो जाता है, उसको छान करके बिक देते हैं। अच्छी बीज हमको मिल जाती है, वो अच्छे बीज को हम इकट्ठा कर सकते हैं और खराब बीज को हम बाहर कर सकते हैं कि ताकि उसमें जितना कीटाणु हो वो मर गया। दूसरा फायदा है भैया दीदी कि सुषुम पानी को करते हैं, इतना सुषुम पानी होना चाहिए कि हाथ सहने तकला होना चाहिए। उसमें हम अपनी बीज को डालते हैं, डाल देने से सुषुम पानी में अथी करने से बीज की अंकुरण जल्दी आ जाती है। तीसरा फायदा ये है भैया दीदी कि बीजा अमृत मिलाने से फफूंद रोग रहता है वो खत्म हो जाता है। चौथा फायदा है भैया दीदी कि केचुआ खाद हम लोग मिलाते हैं, केचुआ खाद मिलाने से बीज को अच्छी तरह टॉनिक उसको पोषण तत्व मिलता है कि ताकि वह मजबूत जन्म ले सकता है। ठीक है आंटी, पहले तो हम बीज शोधन नहीं करके लगाते थे, अब तो आप सिखा दिए हैं, तब हम बीज शोधन करके भी लगावेंगे और भी तभी दीदी लोग के भी बताएंगे कि अब बीज शोधन कर बीज उपचार करिए, बीज उपचार करने से फ़ायदा है, बीज उपचार करके लगाइए खेती में। ठीक है भैया, इसी तरह से उपचार करके खेती करना है, इससे बहुत लाभदायक है, इसी तरह से आप कीजिएगा और दीदी लोग को बताइएगा, अपना गाँव भी जाइएगा तो वहाँ भी बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद दीदी।